साल 2022 के पहले मंडे नाइट रॉक के एपिसोड पे कौन चैलेंज करेगा नए WWE चैंपियन बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को। साथ में बात करेंगे कुछ बड़ी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में, जिसमें ड्रू मैकइंटायर की इंजरी अपडेट, कोफी किंगस्टन का रिएक्शन, बैकी लिंच का चैलेंज और रोमन रिंग्स की रिटर्न शामिल होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि WWE हमें 3 जनवरी 2022 के मंडे नाइट रॉक के एपिसोड पे क्या क्या दिखाएगा। WWE ने हमें कुछ टाइम पहले ही ओमास और एजे स्टाइल्स के बीच में ब्रेकअप करके दिखाया था, दोनों की टैग टीम को तोड़ दिया था। दोस्तों, ओमास ने एजे स्टाइल्स की पिटाई भी करी थी, जिसके बाद मंडे नाइट रॉ पे इनका मैच भी शेड्यूल हुआ था जो कैंसिल हो गया था। दोस्तों, इस मंडे नाइट रॉ पे हमें ओमास वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस मैच में मुझे पूरी उम्मीद है कि WWE ओमास को एक बड़ा पुश देने के लिए द फिनोमिनल वन की भेंट चढ़ा देंगे, यानी कि ओमास वर्सेस एजे स्टाइल्स के मैच में हमें ओमास जीतते हुए दिखेंगे। साथ में दोस्तों, हमें आरके ब्रो यानी कि रॉक के टैग टीम चैंपियंस के अगले अपोनेंट्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पहले हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स, रे मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो और अल्फा एकेडमी आरके ब्रो के अपोनेंट्स के तौर पे देखने को मिल चुके। WWE ने रिसेंटली सेथ रोलिंस और केविन ओवेंस की भी एक टैग टीम बनाने की कोशिश करी, जिसे क्राउड से अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है। दोस्तों, या तो अल्फा एकेडमी या सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और केविन ओवेंस मिलके हमें आरके ब्रो को रॉक की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए इस मंडे नाइट रॉ पे दिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमें एक मैच देखने को मिल सकता है फिन बैलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में। इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक मैच मंडे नाइट रॉ पे हो चुका, जिसमें फिन बैलर ने ऑस्टिन थ्योरी को हरा दिया था। ऑस्टिन थ्योरी ने विंस मैकमैन को इम्प्रेस करने के लिए फिर से फिन बैलर पे अटैक करा था और इन दोनों के बीच का शेड्यूल मैच भी मंडे नाइट रॉ पे द्वारा से कैंसिल हो गया था। दोस्तों, इस मंडे नाइट रॉ पे हमें फिन बैलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में भी एक मैच देखने को मिल सकता है, जिसमें इस बार हमें ऑस्टिन थ्योरी फिन बैलर को हराते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमें मंडे नाइट रॉ पे द मिस एंड मरीज का भी एक सेगमेंट और प्रोमो देखने को मिल सकता है। हमें टेबन पेपर व्यू पे रेटेड आर सुपरस्टार एच की वाइफ बेथ फीनिक्स की रिटर्न होती भी दिखी थी, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि हमें इन दोनों पावर कपल के बीच में एक मिक्स टैग मैच देखने को मिलेगा। हमें मंडे नाइट रॉ पे द मिस और मरीज एच और पैथ फीनिक्स को चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं और इन दोनों टीमों के बीच में हमें कन्फ्रंटेशन होती भी और एक ब्रॉल होता हुआ दिख सकता है। साथ में दोस्तों, अब हमें लिम मॉर्गन के बाद बैकी लिंच का अगला रॉ वुमेन्स चैंपियन का अपोनेंट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि साल की शुरुआत में या तो एलेक्सा ब्लिस या ऑस्का में से कोई एक सुपरस्टार की रिटर्न हो सकती है और वो बैकी लिंच को हमें चैलेंज करते भी नजर आ सकती है। लिम मॉर्गन को फिर से मौका अभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लिम मॉर्गन हमें शायद रॉयल रंबल 2022 जीतती भी दिख सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, कमाल की बात ये कि रूमर्स के अकॉर्डिंग अब डेमियन प्रीस्ट अपनी US चैंपियनशिप को ड्रॉप कर सकते हैं और हमें डॉल्फ ज़िगलर, जो काफी टाइम से एक जॉबर सुपरस्टार है, हमें वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बनते हुए दिख सकते हैं। और दोस्तों, हमें 3 जनवरी 2022 के मंडे नाइट रॉ पे सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि आखिर अब ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप के लिए कौन चैलेंज करेगा। डे वन पेपर व्यू पे फेडल फाइव वे मैच में
ब्रॉक लेस्नर ने केविन ओवंस, बॉबी लैशली, सेथ रोलिंग्स और बिग ई को हरा के नए WWE चैंपियन बने। दोस्तों, बिग ई को ब्रॉक लेस्नर का पिन करना ये दिखाता है कि बिग ई अब टाइटल पिक्चर से बाहर हो गए हैं और हमें दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेस्नर के फ्यूड की तरफ अब आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि दोस्तों हमें बॉबी लैशली एक सेगमेंट में ब्रॉक लेस्नर को कॉल आउट करेंगे और WWE चैंपियनशिप मैच की डिमांड करेंगे। हमें दोस्तों नंबर वन कंटेंडर मैच भी मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिल सकता है, जिसे बॉबी लैशली जीतते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद हमें बॉबी लैशली और ब्रॉक लेस्नर एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ बड़ी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में, जिसमें सबसे बड़ी पहली रेसलिंग अपडेट है ड्रू मैकइंटायर की। WWE ने डे वन पे पर व्यू के बाद ये अनाउंस कर दिया था कि नेक इंजरीज की वजह से ड्रू मैकइंटायर को डॉक्टर्स बैकस्टेज इवेल्युएट करेंगे, जिसके बाद ड्रू मैकइंटायर के फ्यूचर पे डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों ड्रू मैकइंटायर अब हमें 2 हफ्ते के लिए आउट ऑफ एक्शन होते हुए दिखेंगे, यानी कि आने वाले 2 हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड्स पे हमें ड्रू मैकइंटायर नहीं देखने को मिलेंगे। ड्रू मैकइंटायर ने कई मैचेस इंजरी के साथ खेले हैं, इसीलिए ड्रू मैकइंटायर को WWE रॉयल रंबल 2022 तक अब आराम देने का भी मन बना रही है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कोफी किंगस्टन के रिएक्शन के बारे में, जो आया है बिग ई की WWE चैंपियनशिप मैच की हार के बाद। कोफी किंगस्टन भी ब्रॉक लेस्नर से अपनी WWE चैंपियनशिप हारे थे। अब न्यू डे के दूसरे मेंबर बिग ई भी अपनी WWE चैंपियनशिप ब्रॉक लेस्नर से ही हारे। कोफी किंगस्टन ने अपने भाई बिग ई की चैंपियनशिप हार पे सोशल मीडिया पे अपना रिएक्शन दिया और एक सिंगल इमोजी यूज करी, जिसमें साफ दिख रहा है कि कोफी किंगस्टन काफी ज्यादा सैड हैं और अपने भाई के WWE चैंपियनशिप हारने पे अफसोस जता रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा बैकी लिंच ने पैथ फीनिक्स को चैलेंज करा, जिन्होंने रिसेंटली डे वन पे पर व्यू पे अपने हस्बैंड रेटेड आर सुपरस्टार एच की मदद करने का फैसला करा। बैकी लिंच ने पैथ फीनिक्स को ओपनली चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कोई मैच या लड़ाई करने का मन है तो मैं अवेलेबल हूँ। रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच भी बैकी लिंच ने पैथ फीनिक्स को ऑफर करा। अब दोस्तों बात करते हैं रोमन रिंग्स के बारे में। रोमन रिंग्स का डे वन पेपर व्यू का मैच ब्रॉक लेस्नर के खिलाफ ड्रॉप कर दिया गया, जब COVID-19 की वजह से रोमन रिंग्स पॉजिटिव पाए गए और इस मैच को हटा दिया गया। इस मैच के बाद अब रोमन रिंग्स की रिटर्न पे एक बेहद ही इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। द ब्लड लाइन के जे और जिमी उसो ने रोमन रिंग्स की हेल्थ अपडेट देते हुए रिवील करा कि इस वक्त रोमन रिंग्स को आराम करने की जरूरत है। रोमन रिंग्स आराम कर रहे हैं अपने घर पे। साथ में उन्होंने कहा कि अगर इस इन्फेक्शन के दौरान आराम नहीं करा जाए तो इंफ्लामेशन बॉडी में बनती है, इसीलिए रोमन रिंग्स को अभी आराम करने की जरूरत है। रोमन रिंग्स अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं और हो सकता है जल्द ही अगले हफ्ते हमें रोमन रिंग्स की रिटर्न भी देखने को मिल जाए, क्योंकि जिमी और जे उसो का कहना है कि रोमन रिंग्स को कोई भी COVID-19 के सिम्टम्स नहीं है। तो दोस्तों अब हम आपसे इस वीडियो में बस यही कहना चाहेंगे कि आप रोमन रिंग्स को गेट वेल सून कह सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं रोमन रिंग्स की जल्दी रिकवरी के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।